सुनिए, इसे रख लो, ये कुछ पैसे हैं खर्चे के लिए, ले लो ना। चलता हूं। रामेश्वर। हाँ। सुना है कि हर चीज तुम दो दो खरीदते हो। जानते हैं, अगर मैं मरता तो धर्मा भी यही करता। बच्चों को ज्यादा मत डांटा करो, वो अपने आप ही सीख जाएंगे। अब तुम जाओ। उस घटना के बाद अक्सर रामेश्वर अपने दोस्त की पत्नी और उसके बच्चों का हाल लेने के लिए उसके घर जाने लगा। वो दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। रामेश्वर को कुछ बोलेंगे नहीं आप? भाभी भी कहाँ कुछ बोल रही हैं। पूरा गांव हमारा मजाक उड़ा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पानी गर्म हो गया क्या? गांव वाले क्या बातें करते हैं आपको सुनाई नहीं देता क्या? क्या हुआ? अरे बाप रे। मैं आग की कसम खाकर कह रहा हूँ कि जैसा भी गांव वाले समझ रहे हैं, हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। पैसे से ही नहीं, लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताकर भी उनकी मदद की जा सकती है। हर रिश्ता गलत ही होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग मुझे गलत ना समझे इसलिए मैंने ये बात बताई। मैं सबकी बात क्यों सुनूं? मुझे आप पे विश्वास है, भरोसा है आप पर, इसलिए पूछा कि आपके कान तक ये बात पहुंची या नहीं। मैं बहुत पहले से ये सब सुनता आ रहा हूं। है इतनी सी बात के लिए ढेर सारी मिर्ची क्यों जला दी? मिर्ची का भाव तुम्हें पता है? हमेशा अच्छे कपड़े पहन के ढंग से रहा करो। पापा खाना तैयार है। पापा मेरे पास आओ। तुलसी तूने खाना खाया? हाँ। क्या खाया? दाल चावल पापा। चूहे फसलों को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। अरे अब क्या करें? अरुण को भेज देना, दुकान तक गया है। आए तो जल्दी भेज देना। ठीक है भेज दूंगी। ए सुनो बेटा। हा? तुम लोगों के खेतों में भी फेंसिंग लगानी है क्या? हाँ लगाते हैं। ए जरा वो तार देना, ये ले। ए इसे पकड़ और वहां जा। तू वहां पहुंच, मैं कनेक्शन लगाता हूँ। ये अरुण का बच्चा भी कहाँ रह गया? बस आने वाला होगा। हाँ पता नहीं ये लड़का बिना बताए कहाँ चला जाता है। हाँ, चल टाइट से पकड़। हाँ अच्छे से। हाँ, खींच और खींच। हाँ टाइट कर, उसे छोड़ दे। ठीक है अब यहाँ पर आ जा। हे बाबू कोई आए तो आवाज दे। ठीक है अभी मजा चखाते हैं। चल मार। हाँ जोर से मार। हाँ चल यहाँ से। हाँ, चलो चलो। अरे भगवान मेरा बच्चा। अरे अरुण जल्दी से पावर काटो, मेन स्विच ऑफ करो, जल्दी जल्दी कर। बेटा मेरा बच्चा। जल्दी से इनका दाह संस्कार कर दो, नहीं तो पुलिस केस बन जाएगा। जल्दी ले चलो इनको, जल्दी से ले चलो इससे पहले कि पुलिस आ जाए। चलो जल्दी उठाओ, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो सब जेल जाएंगे। चलो जल्दी करो। अरे उठो, चलो उठो, रोने धोने का टाइम नहीं है। हमने किसी को नहीं बताया, इधर उधर से लकड़ियां जमा की, रातों रात उनका दाह संस्कार कर दिया। पापा।
पति और बेटे का गम तुलसी की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही महीनों में गुजर गई। शादी के बाद हमें तुलसी की ज्यादा फिक्र हो रही है, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अभी यकीन नहीं हो रहा, मैंने सुना कि कल शादी में रोना धोना मचा, उसके अपने माँ बाप जिंदा होते वो भी इतना नहीं रोते। बिल्कुल सेंटिमेंटल एपिसोड जैसी। सारे रिश्तेदार हमारा ही मजाक उड़ा रहे हैं कि इतने करीबी होकर भी हम उनकी शादी में नहीं गए। हाँ, उसने आपका बहुत मजाक उड़ाया, छोड़ूंगी नहीं उसे। पापा जरा फोन दीजिए, मैं अभी बताती हूँ। जाने दे, कोई फायदा नहीं। हाँ? हम लोग तुम्हारे यहाँ शादी में नहीं पहुँचे उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उल्टा सीधा बोलो, समझे? अरे शिकायत तुम्हारे माँ बाप से, तुमने तो फोन करके बहन को दुआएं भी दी और माफी भी मांगी थी। ओहो, उस दिन मेरे दिल ने कहा कि ये लड़की खरा सोना है। तुमसे बात करना ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सोचना भी प्यार है। सही है, मुझे तो लगा तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे। सोचा तो मैंने भी यही था, पर क्या करूँ, मेरा प्यार सिर्फ निस्वार्थ नहीं बल्कि बड़ा ही बेशरम भी है। तुम अपने बारे में क्या समझते हो? हाँ, मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, मुझे ज्यादा दिखाना आता है। सिर्फ एटीट्यूड क्या, तुम और कुछ भी दिखाना चाहो तो दिखा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा क्या है? लायक नहीं है, पर ससुर जी हुए। और मेरी माँ? मेरी सासू माँ। तुम्हें याद है मेरी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? चुल्लू भर पानी पिलाया है, बासी खाना खिलाया है, और जो खिलाते वक्त मुँह बनाया है वो अलग। अपनी बहन की शादी की खुशी में दावत रख रहा हूँ, सब लोग आ जाओ, पेट भर के खाओ, खाने का खर्च चुकता। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, फिर झक मार के माननी पड़ेगी। सुनो ना, मैं बता नहीं सकता कि आज तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ और हम सब बहुत खुश हैं। ये पी के भी बहुत खुश है। मतलब वो गधा पी के भी वहाँ मौजूद है। तुम्हें कैसे पता? अरे उसकी जैसी अजीब हंसी किसी की हो ही नहीं सकती है। आप सो नहीं रहे बाबा? तू इतनी जोर से बात करेगा तो मैं कैसे सोऊंगा? अरे वो पढ़ी लिखी है ना, इसीलिए उसे हंस हंस के फोन पे खरी खोटी सुना रही है। ये रिश्तेदार भी बड़ी अजीब चीज होते हैं, नहीं? कभी छप्पर फाड़ के खुशी देते हैं, कभी दिल तोड़ के मायूस करते हैं। ठीक है, तू रिश्तेदारों को दावत कब दे रहा है बेटा? बाबा पहले तुलसी को और उसके पति को तो दावत दे देने दीजिए। माँ आप तैयार नहीं हुई? बाबा अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, एक बहू होने के नाते मैं घर में दो किचन नहीं रहने दूंगी। चलिए तैयार हो जाइए, हमें अपने भाई के घर जाना है। चलिए उठिए उठिए, अब क्या कर रहे हैं, उठिए ना। अरे कैसे काकी? कैसे काका? अब हम चलें? हाँ चलते हैं। मुझसे शादी करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा, इसीलिए मैं तुम्हारा ऐसा ख्याल रखूंगा जैसा तुम्हारे भाई ने भी नहीं रखा होगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे भाई जैसा मेरा ख्याल आप रख पाएंगे। हाँ भाई। हेलो तुलसी, अरे कहाँ रह गई? बस निकल रहे हैं भाई। ठीक है ठीक है, जल्दी आ। एक ही पिटीशन में आपका सारा काम। पांडे भाई क्या टाइम पास कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप लोग ठीक है जल्दी आ जाओ। अरे आप ये कहाँ जा रहे हैं, ये गलत रास्ता है। तो क्या खाली हाथ जाएं? बाबूजी तुलसी और जीजा जी कहाँ पर हैं? वो लोग तो आधे घंटे पहले ही निकल गए थे। अच्छा ये बैठिए। नमस्ते। वेलकम सर। आप तुलसी? हाँ कही। तुम्हें जो चाहिए और तुम्हारे भाई को जो पसंद है सब ले। मैं देखता हूँ। अरुण सुन। जी चाचा जी। वो मिश्रा जी बता रहे थे अभी तक तूने सूद का पैसा नहीं दिया। बस दावत हो जाए फिर दे दूंगा चाचा जी। मेरा नाम खराब मत करना। ये आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं? रिश्ते में ये तुम्हारे भाई जैसा ही है, लेकिन सगा थोड़ी ना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फोन नहीं मुसीबत है। अरे वाह, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अरे कुछ नहीं, आपके यहाँ दावत खाने के लिए आए। ए छोटे कैसा है, तू तो बड़ा हो गया। हाँ तो गया किस पे? शेर का बेटा शेर। ए तेरा पापा कहाँ? आते होंगे दादाजी, आपको भूख लगी है? छोटा मुँह बड़ी बात। हाँ बोलो। तुम्हारा जो बहनोई है ना वो अपने दोस्त के घर पे और तुम्हारी दावत में नहीं आने वाला। ये तुमसे किसने कहा? मैं कलेक्टर हूँ, सब पता रहता है मुझे। क्यों भाई, अपनी बहन और जीजा को बुलाया है ना तूने? कितना इंतजार कराएगा सबको। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, अबे भूख लग रहा है। ए दीपक। हाँ। सबसे कहो कि जाके खाना खा ले। हाँ चलिए सब खाना खा लीजिए। शर्मिंदा मत हो बेटा।